never mind. Oh, हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर प्लेइंग सेटिस्फैक्ट्री। सो फाइनली आ चुके हैं अपन लेके एक और धमाकेदार एपिसोड सेटिस्फैक्ट्री का। सो लास्ट वाले एपिसोड में हम बनाने की कोशिश कर रहे थे यार क्रिस्टल ऑसिलेटर, और हमने ऑलमोस्ट सेटअप कर दिया था। ओके सो अभी मैं खड़ा हूँ ऊपर बिल्डिंग पे। ओके मस्त व्यू आ रहा है, पक्षी उड़ के जा रहा है एंड देन नीचे से ट्रक चल रहे अपने। ओके और क्या बिल्डिंग लग रही है यार अपनी। ओके सो यहाँ पे हमने असेंबलर बना दिए थे, सॉरी मैन्युफैक्चरर बना दिए थे 13। ओके सो आज हमें ये स्टार्ट करने थे। और सबसे खास बात पता है क्या है, गेम में यार फाइनली अपडेट आ चुका है और बहुत कुछ अपडेट हो चुका है गेम में। इधर देख रहे हो मशीनों के लाइटें और कन्वेयर बेल्ट की लाइटें जो चमकती हुई नज़र आ रही है। ओके और बहुत सारा ग्रीन ग्रीन सब कर दिया, बहुत सारे पेड़ उगा दिए गेम के अंदर, और भी बहुत कुछ अपडेट आया है। सो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके एंड फिलहाल तो यार हम इसको ना स्टार्ट करते हैं यार, इनसे ना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके सो मैंने लाइनें सारी कनेक्ट कर दी हैं और बाकी मैंने सारे कनेक्शन कर दिए एंड तक। ओके तीनों लाइनों से ये जो हमने लास्ट टाइम ये मैनेजमेंट किया था ना, इसकी वजह से अपना एकदम सब कुछ परफेक्ट चलेगा और एकदम सही मैनेजमेंट होगा अपना। ओके सो अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं। ओके और यहाँ पे अपने को तीन प्रोडक्ट चाहिए थे। ओके एक तो चाहिए था अपने को क्रिस्टल कोर, सेकेंड चाहिए था क्या था ये एलिमिनेटर, एंड थर्ड था अपना रबर। ओके सो मैं करता क्योंकि सबसे पहले कनेक्ट करते अपन रबर। ओके सो लेट्स गो, रबर वाली लाइन में कनेक्ट कर देता हूँ। ओके रबर जाने देते हैं ऊपर वाले फ्लोर से। यह ओके और एआई लिमिटर। ओके सो नॉर्मल वाली कन्वेयर बेल्ट एंड मे बी यहाँ पे ठीक रहेगा, नहीं ये यहाँ पे ठीक है। चलो यार एआई लिमिटर अपना चलना स्टार्ट हो गया। मैं ले आया था ये तीनों कन्वेयर बेल्ट आगे से। ओके नीचे की तरफ से और अपना कोड क्रिस्टल वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ओके सो तीनों प्रोडक्ट अपने जाने स्टार्ट हो चुके हैं और मैं लाइन दिखा देता हूँ इसके अंदर से हम लेके आ रहे सारी लाइनें। ओके यहाँ से पूरा मैनेजमेंट के साथ और ऊपर तक लेके जाएंगे सबको। ओके सो चलो यार मशीनों तक पहुंचना स्टार्ट हो गया अपना प्रोडक्ट। ओ भाई साहब कोर्स क्रिस्टल तो बड़ी जल्दी फिल हो जाएगा यार, क्योंकि आगे से 450 आ रहा है। वैसे ना ये 450 से ज़्यादा आ रहा है। ओके क्योंकि गेम में अपडेट किया तो पहले अपनी जो कन्वेयर बेल्ट MK4 थी वो लेके जा सकती थी 450, अब वो लेके जा रही 480, यानी प्लस 30 और ऐड कर दिया उसके अंदर। सो अभी वो कुछ ज़्यादा लेके जाएगी। ओके एंड नेक्स्ट अपडेट में अपना ये था कि कोई भी अपन ये स्टैक्स ये सॉरी स्प्लिटर या कुछ भी बनाएंगे ना, तो जैसे मैंने एक बनाया इसके ऊपर ही मैं दूसरा बना सकता हूँ, तीसरा जितने बनाना चाहे हम उतने बना सकते हैं। ओके तो इसकी वजह से मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है अपना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे रख के तीन बना दूँ ना और फिर तीनों को तीनों पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो इतना ईजी हो जाएगा ना इससे सब कुछ कनेक्ट करना। तो ये भी मस्त फीचर है यार ये अपडेट का, और बड़ा ही मस्त अपडेट है। नया टायर आ चुका है, टीयर आ चुका है। ओके एंड उसमें यार ट्रेन्स आ चुकी हैं, सो देखते हैं। ओके और मे बी रबर पहुंच चुका है वहाँ तक। यस ए लिमिटर को आने में टाइम लगेगा बिकॉज लाइन मैंने थोड़ी स्लो वाली बनाई है। ओके सो पावर देते हैं दोनों को, दोनों लाइनों को। ओके लेट्स गो, अब भी अपना प्रोडक्ट बनना स्टार्ट। मैंने सब कुछ रेसिपी वगैरह कनेक्ट करके रखी है और जैसे ही फिल हो जाएगा प्रोडक्ट अपने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सो मे बी वहाँ से लाइन मैंने कनेक्ट कर दी थी कि यस कनेक्ट कर दी थी। ओके तो चलो देखते हैं अपना प्रोडक्ट कितने देर में स्टार्ट होता है। फर्स्ट यस मशीन स्टार्ट हो चुकी है फाइनली, और वेट करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर आ जाएंगे अपने पास फाइनली। और अपने को यार रिसर्च भी करनी है क्रिस्टल ऑसिलेटर की, तो अपन लेके चलेंगे क्योंकि आज तो अपने को जाना ही पड़ेगा उधर, बहुत सारी रिसर्च करनी यार अपन ने आज। वेट वेट वेट, कितना टाइम बचा हुआ है 30%, सीरियसली, क्योंकि यार ये एक मिनट में ना मेरे को लग रहा है एक मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा ये, 64 सेकेंड लेगा बनाने में प्रोडक्ट। ओके 55 मेगावाट पावर यूज़ कर रहा है ये, और मे बी पावर तो अपनी काफ़ी यूज़ हो जाएगी अभी।
4300, क्योंकि अभी सारी मशीन स्टार्ट नहीं हुई ना, एंड तक मैं पहुंचा है कि नहीं पता नहीं। 80% ओके। सो अपने क्रिस्टल आने वाला है, सॉरी क्रिस्टल ऑसिलेटर आने वाला है बाहर। ओके यहाँ से हम कर रहे हैं वेट इसका। ओ भाई साहब, तीन आ चुके अपने क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके मैं उठा लेता हूँ तीनों ही। आ जा आ जा, जा भाई, तू भी आ जा, नेक्स्ट लेवल। ओके सो मे बी ये इसने बनाए होंगे यार। यस वो तीन बन के जा चुके हैं। ओके अभी तो लाइन ही लग जाएगी। यस ओके काफ़ी सारे बन गए हैं। सो ये अपने टोटल बन रहे हैं अपने 13 मशीनों से करीब 36.56। ओके हम 36 ही मान के चलते। ओके 36 बन रहे हैं अपने, और अपने को चाहिए ओनली 30। सो ये सो एक्स्ट्रा रहेंगे तो फ़ायदा, बिकॉज नेक्स्ट जो प्रोडक्ट अपन बनाएंगे ना आगे चल के, उनके अंदर बहुत सारे जो है चाहिए क्रिस्टल ऑसिलेटर। सो ये काफ़ी बड़ी मशीन यार। इसका एनिमिनेशन देखो, रोबोट्स लगे हुए इसके अंदर। ओके कुछ वेल्ड कर रहे हैं भाई, प्रोडक्ट बना रहे हैं ज़बरदस्त। ओके सो अभी अपने को यहाँ पे बनानी स्टोरेज। ओके मे बी स्टोरेज की कितनी लाइनें बनाऊँ मैं, थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज बना देता हूँ यहाँ पे। ओके या फिर एक कम करते, तीन स्टोरेज काफ़ी रहेंगी यार मे बी। सो एक स्टोरेज यहाँ पे बना लूँ, या फिर थोड़ा स्पेस देके बनाता हूँ मैं इधर की साइड। ओके वन स्टोरेज से कनेक्ट करते पहले। ओके सो कन्वेयर बेल्ट अपनी स्लो वाली रहेगी, ताकि ज़्यादा टाइम यार प्रोडक्ट उस पर चलेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। ओके ओके सो यहाँ पे काफ़ी आ चुके अपने क्रिस्टल ऑसिलेटर या, और धीरे धीरे बनते रहेंगे। ओके सो फिलहाल तो नो इश्यू। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ ए लिमिटर की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे पहुँच नहीं रहा है, बड़े स्लो आ रहा है आगे से। तो थोड़ा टाइम लेगा यहाँ तक आने में, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो ही रखी है हमने। वैसे तो 30 आ रहे हैं आगे से, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग वाला है ना यार, वो 100 लेगा, इसीलिए जैसे इसके अंदर ना 100 फिल हो चुके हैं इसके अंदर। सो धीरे धीरे टाइम लगेगा और देन फिर पहुंच जाएंगे आगे भी। ओके इसके अंदर भी 100 आ चुके हैं, बस ये होने ही वाला है। सो पहुंच जाएगा यार धीरे धीरे, नो इश्यू। ओके और नेक्स्ट अपडेट ये था कि अपडेट में ना थोड़ा ये थोड़ी चेंज कर दिया इसका लेआउट। ओके थोड़ा ठीक लग रहा है अभी भी। ओके रेसिपी वगैरह, और जो हम बात कर रहे थे ना सर्किट बोर्ड बनाने की, मैंने बोला था कि अपने कंप्लीट नहीं बन रहे हैं सर्किट बोर्ड। ओ शिट हेल्थ कम हो गई है, क्योंकि हमने जो रेसिपी हमारी जो पहले थी ना वो बना रही थी, कितना 3 बना रही थी मे बी सर्किट बोर्ड, और मैंने बोला था वो अपडेट के बाद 6 बनाएगी, तो अपनी 6 बना रही है अभी। ओके सो अभी इसका टोटल प्रोडक्शन अपना हो चुका है करीब 330 के आसपास। ओके सो 330 या 35 के आसपास सर्किट बोर्ड बन रहे, अपने को इतने ही चाहिए थे। ओके और क्या, और हम चलते हैं आगे। ओके यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है अपना। ओके सो अभी हमें जाना है अपने हब पे, और सबसे पहले तो अपने को क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिसर्च लगानी है, क्योंकि अभी अपने बन गए हैं फाइनली, और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिसर्च। लेट्स गो। 10 चाहिए यार, सीरियस वाले मैं 3 ही लेके आया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ 10 चाहिए यार, हमें 10 चाहिए, तो 10 लेके आते हैं फिर। 7 मोर। चलो भाई साहब हमें चाहिए क्रिस्टल ऑसिलेटर 74 ही लेके जा रहा हूँ मैं, उधर रख देंगे काम आ जाएंगे यार। ओके सो अभी चलते हैं अपने हब पे, और अपडेट के अंदर ना बहुत कुछ मतलब चेंज कर दिया उन लोगों ने, ट्रेन्स वगैरह आ गई। ओके और नए मैप्स के अंदर कुछ ऐड करे हैं, जगह वगैरह। ओके नई नई ऐड करी हैं, सो वो भी हम देख लेंगे। प्लस नए माइनर्स आ चुके हैं हाई स्पीड वाले कन्वेयर बेल्ट, सो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट बनेगा यार अभी तो। और नए नए प्रोडक्ट आ गए बनाने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है बनाना। सो फिलहाल तो हम लगाते हैं इसके अंदर रिसर्च, देखते हैं इससे क्या रिसर्च खुलती है अपनी फिर। ओके सो चलो इसको लगेंगे 22 मिनट। यस और मैं बाकी के यहाँ पे रख देता हूँ।
ओके सो नेक्स्ट करना क्या था अपने को? टीयर सिक्स पे अपनी आ चुकी है, यहाँ पे मोनोरेल ट्रेन टेक्नोलॉजी। ओके सो यहाँ पे अपनी ट्रेन आ चुकी है फाइनली। सो ये अनलॉक करेंगे। ओके अपन टीयर फाइव पे अपनी गन वाली रिसर्च भी थी, लेकिन इसके लिए नोबलिस चाहिए 50, तो ये मैं अभी नहीं बना रहा। ओके सो हम करते क्या कि मोनोरेल वाली कर लेते हैं। ओके सेलेक्ट माइलस्टोन या और फ्रेम वगैरह चाहिए तो मेरे पास है तो नहीं। खैर ये क्या था भाई साहब? कंप्यूटर था। ओके और ये मोटर थे। ओके सो रिसोर्स क्लक करके एंड देन करते फिर अनलॉक। लेट्स डू दिस। ओके सो गाइस मैं फाइनली रिसोर्स ले आया हूँ और वो भी बहुत सारा। ओके क्योंकि बाकी का रिसोर्स हम स्टोर कर देंगे अपनी स्टोरेज में। ओके सो फ्रेम चाहिए अपने को। ओके ये मोनोरेल ट्रेन टेक्नोलॉजी फाइनली रेडी फॉर लॉन्च। यह फाइनली अनलॉक हो गया। नाइस। Milestone reached. A new set of buildings and vehicles needed for long-range transportation has been made available. In addition to built-in power conduction, rails-based transit ensures increased efficiency and reliability for both the transport of pioneers and cargo. ओके सो फाइनली अपना ट्रेन आ चुकी है। ओके लेट्स सी कौन सी ऑप्शन पे अपने को ट्रेन मिल लेगी। मेरे भाई मे बी व्हीकल पे मिल लेगी। ओके सो यहाँ पे अपनी आ चुकी है फाइनली ट्रेन। ओके या नाइस। सो फिलहाल तो मैं करता हूँ रिसोर्स को स्टोर। ओके सो अपने ट्रेन्स वगैरह तो आ ही चुके हैं। ओके नो इशू। प्लस मैं सोच रहा था कि यार क्यों ना नेक्स्ट ईयर भी अनलॉक कर लिया जाए आज। ओके वैसे तो हम उसके प्रोडक्ट अभी नहीं बनाने वाले, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं अनलॉक। ओके और टीयर सिक्स कंप्लीट हो चुका है, यह राइफल वाला मैं अभी करना नहीं। ओके सो अभी हम चलते हैं अपने स्पेस एलिवेटर पे जो कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। ओके सो लेट्स गो एंड देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है यार उसकी। रिक्वायरमेंट क्या? लेट्स सी। ये अपना कंप्यूटर। ओके सो टीयर 7 और 8 अनलॉक होएगा इससे। ओके प्रोजेक्ट असेंबली सिस्टम्स। ओके 1000 फ्रेम OMG और 1000 कंप्यूटर चाहिए, 1000 ही मोटर चाहिए। वाह मेरे को कितनी बार आना जाना पड़ेगा यार। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं स्टोर करके लेके आऊँ सारा एक साथ ही। इन्वेंटरी का जितना भी सामान है ना वो रख देते हैं अपन स्टोरेज के अंदर और फिर मैं एक साथ ही भर के लेके आता हूँ। ओके सो अपने को चाहिए थे फ्रेम मोटर प्लस कंप्यूटर। ओके सो कोई स्टोरेज। ओके सो यार एक बार में तो हम नहीं लेके जा सकते सारे रिसोर्स, बिकॉज मोटर हम 500 ही लेके जा सकते एक बार में, बाकी 1000 हो गए अपने। ओके सो मैं इनको करके आता हूँ ड्रॉप। ओके स्पेस एलिवेटर पे और अपने को फिर से आना पड़ेगा मोटर के लिए, बिकॉज मोटर थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेती है। ओके भाई सब एकदम पिंक कलर हुआ पड़ा है गेम में, ज़बरदस्त वेदर चल रहा है भाई। फ्यूल ख़त्म होने वाला है यार। लेट्स गो लेट्स गो। ओके सो आ गया अपना स्पेस एलिवेटर और इसके अंदर फिल करते हैं। ओके सो मैं एक साथ फिल नहीं कर सकता क्या? नहीं यार क्लिक भी नहीं कर सकता। चलो तो फिर रखो फिर एक एक उठा के इसके अंदर। लेट्स गो मिलते हैं एक साल बाद। ओके फाइनली यार बड़े टाइम लग गया इन्वेंटरी के अंदर पहुंचाने में। ओके सो और अभी 500 मोटर लेके आनी है। सो यार ये तो लेके आनी पड़ेंगी, फिर से जाना पड़ेगा अपने को। अपनी स्टोरेज इतनी बड़ी नहीं है कि इतना सारा रिसोर्स लेके आ सके एक साथ। ओके सो मैं लेके आता हूँ 500 मोटर एंड देन मिलते हैं फाइनली। मैं बाकी का रिसोर्स भी ले आया हूँ। ओके और नाइस फील हो रहा है यार डबल क्लिक करने पे, अभी पता नहीं पहले क्यों नहीं होता। ओके 1000 या फाइनली लोड करते हैं अपन। लोड अपना हो गया, सील करते हैं ये। ओके लेट्स गो सेंड कर देते हैं। ओके भाई साहब
स्पेस एलिवेटर चल रही है जबरदस्त। नई वो यार ऐड कर दिया, देखो लाइट टिप जैसा रही है। वो शॉक वेव जबरदस्त यार, नई इफेक्ट ऐड करे तो मस्त लग रही यार देख के भी, नेक्स्ट लेवल। ओके ये अच्छा अपडेट है यार इसका, स्पेस एलिवेटर का इफेक्ट मस्त है यार। पोर्ट विल रिटर्न, चल अपना तो मे बी अनलॉक हो गया होगा, लेट्स सी देखते हैं। या फिर 46 सेकेंड में होगा वो, मे बी हो जाना चाहिए था। ओके टीयर 7, यस टीयर 7 पर अनलॉक हो चुका है। सेलेक्ट माई स्टोन, बट टीयर 8 क्यों नहीं आया यार, मे बी पहले ये अनलॉक करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा। न्यूक्लियर पावर आ चुकी है अपनी फाइनली, या न्यूक्लियर पावर वाली बड़े जबरदस्त मशीन होती है यार भाई। जल्दी 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 और आ गया अपन वापस, या और स्पेस एलिवेटर भी आ चुका है या आइस, जल्दी से लैंड कराओ भाई, लैंड कराओ इसे। नाइस नाइस नाइस, चलो या ओके। सो टीयर 7 अपन अभी अनलॉक कर सकते हैं ओके, और उसके लिए कुछ खास चाहिए नहीं ओके। और ये था अपना यस माइनर MK3 आ चुका है, कन्वेयर बेल्ट आ चुका है जो लेके जाएगी 780 रिसोर्स पर मिनट, वाओ। और MK5 आ चुका है लिफ्ट एलुमिनियम इंगट, और शीट आ चुकी है स्कैनर अपडेट, बैटरी भी आ चुकी है, टर्बो मोटर आ चुका है, रेडियो कंट्रोल यूनिट, हीट सिंक, भाई सब इतना कुछ आ चुका है ना, मात ही पहुँचो, नेक्स्ट लेवल अपडेट है यार ये तो। ओके ये रेडिएशन, यस जो अपना न्यूक्लियर प्लांट रहेगा ना उसमें यार रेडिएशन वगैरह निकलेंगे तो उसके लिए शूट वगैरह बनाना पड़ेगा अपने को। ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल अपडेट है यार ये तो। ओके तो मैं करता क्या, इनको कर देता हूँ फिर अनलॉक, सेलेक्ट माई स्टोन या न्यूक्लियर पावर, और मॉड्यूलर अपने को इसमें डालने हैं कुछ, कंप्यूटर चाहिए। ओके सो मैं फटाफट इनको करता हूँ फिल या ओके, बाकी का रिसोर्स हम उठा लेते हैं, मेरे पास रखा हुआ यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स ओके। सो मोटर चाहिए अपने को 300 और चाहिए ओके, 300 मोटर प्लस फ्रेम चाहिए, 150 और चाहिए ओके, 150 फ्रेम हो गए अपने। एंड और क्या चाहिए था, कंप्यूटर चाहिए था यार 150 ओके। सो लेट्स गो करते हैं इनको फिल, 200 फिल प्लीज। ओके चलो यार न्यूक्लियर पावर भी अपनी फाइनली अनलॉक हो चुकी है, लॉन्च यस फाइनली। Milestone reached. With the provided buildings and parts, you can now set up nuclear power generation, which balances an increase of fuel production complexity with improved power output. Protective measures against radiation have been included. Note, this method of power generation creates nuclear waste. Okay, so nuclear power plant banana koi mushkil baat to nahi hai, khair easy hai. Okay. लेकिन इसके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए ना बनाने के लिए, वो मतलब कि चलाने के लिए, वो मुश्किल है बनाना, काफ़ी बड़ी मशीन है यार ये, और नेक्स्ट लेवल पावर निकलेगी भाई इससे तो। और अपने को ना हम उसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी पावर प्लांट की, अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले पावर के लिए ओके। सो भाई सब इसका मतलब अलग ही बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हर जगह रेडिएशन हो जाएगा, अपन घूम तो नहीं सकते खैर हर वक्त इसके आसपास। सो ये अपने को दूरी कहीं पे बनाना पड़ेगा, और इससे निकलेगा वेस्ट, और वो अपने को स्टोर करना पड़ेगा ना, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, वो अपने को एक कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। सोचो यार कितनी सारी कंटेनर्स चाहिए अपने को स्टोर करने के लिए, और हर जगह रेडिएशन रेडिएशन होगा, नेक्स्ट लेवल गेम चलेगा यार ये तो। ओके सो ये अपना आ गया था, और स्कैनर अपडेट सब कॉल रोकोज यूरेनियम, यस यूरेनियम अपना ऐड हो गया यहाँ पे, और यूरेनियम तो यार अपने लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा ही था, टनल उसके अंदर था, सुरंग के अंदर एक टनल के अंदर ओके। सो यहाँ पे मे बी यस ओके, सो
यस, यहाँ पे सिलिका आ चुकी है और सिलिका के लिए चाहिए क्या? रॉक वाद? ओके, ये सिलिका है। ओके, सिलिका है यार ये, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। इंगट है ये अपने, ओके, लेकिन हाँ यार वो तो अभी अपने अनलॉक कर रहा है। खैर, यूरेनियम सेल आ चुका है। ओके, यूरेनियम सेल बनेगा यूरेनियम से, जो कि अपना टनल के अंदर था, आपने देख लिया था। 45 चाहिए प्लस कॉन्क्रीट। ओके, यूरेनियम सेल बनाना कोई मतलब कोई मुश्किल काम नहीं, ईजी है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रॉड ये चाहिए अपने को। 3 स्टेटर चाहिए प्लस एआई लिमिटर चाहिए। ओके, तो अपने थोड़े एआई लिमिटर बढ़ाने पड़ेंगे अपने को, प्लस स्टार्टर बनाने पड़ेंगे अभी, एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी उसके। ओके, और फिल्टर के लिए नॉर्मल वाला फिल्टर चाहिए पहले, फिर वायर चाहिए और रबर चाहिए। वाओ, यूरेनियम सेल, तो यूरेनियम सेल किस काम आएगा? मेरे को ऐसा लग रहा है यूरेनियम सेल्स आर रिफाइंड कॉन्क्रीट न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स। ओके, न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स बनाने में काम आएगा ये शायद, ये दोनों से मिलके शायद वो बनेगा, पता नहीं, देखते हैं। और अपना पोर्ट आएगा अगले 12-13 मिनट में। ओके, सो नेक्स्ट माइलस्टोन भी अपने को अनलॉक करना था, बेयर प्रोसेस। ओके, सो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी अपनी। सो फिलहाल तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। और यार अभी अपने को बनाना है कंप्यूटर। ओके, ओ नाइस, ये रिसर्च भी अपनी हो चुकी है। वाओ, क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिसर्च अपनी हो चुकी है, कंफर्म करते हैं। मैसेज These इनकमिंग। particular quartz-based crystal oscillators are optimal for limited radar technology. R&D has provided a new milestone in Tier 5 with a derived building. ओके, सो एक और रिसर्च आ चुकी है अपने पास। ओके, क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो हमने करी थी रिसर्च, उससे TF5 पे रेडार टेक्नोलॉजी। ओके, सो रेडार टावर आ चुका है अपने पास फाइनली। सो इससे अपन कर क्या सकते हैं? बेसिकली रिवील्स एन एरिया अराउंड इट सेल्फ ऑन द मैप, द एरिया ग्रोज ओवर टाइम टू ए मैक्स, प्लेसिंग द टावर हायर अप इंक्रीज द मैक्स एरिया रिबिल्ड। ओके, सो ये अपने को टावर बना देंगे ना अपन, तो ये एरिया रिवील हो जाएगा अपना। जैसे अरे बंद हो जा मेरे भाई, जैसे अपना ब्लैक ब्लैक सा आ रहा ना मैप ये वाला, सो जैसे अपने यहाँ पे बना लिया तो ऑटोमेटिकली सर्च करता रहेगा आसपास के एरिया को, रिसोर्स वगैरह और सब कुछ। ओके, सो अपने को बहुत सारे टावर भी बनाने पड़ेंगे। ओके, सो इसको अनलॉक करने के लिए रिक्वायरमेंट थी क्या? वैसे आज तो अपने बहुत सारी रिसर्च कर डाल ली है। 50 चाहिए। ओके, एंड 25 बीकन चाहिए, मोटर और ये चाहिए। वैसे तो हम इसको कर सकते हैं अनलॉक। ओके, सो कर ही देता हूँ फिर मैं, या फिर नहीं कर सकते अभी, बोर्ड वापस आएगा उससे पहले हम नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो इसको हम बाद में करेंगे। सो अभी हम फिलहाल चलते हैं अपने को बनाने कंप्यूटर। ओके, और सबसे खास बात ये है कि अपन जो कंप्यूटर है ना क्रिस्टल वाली रेसिपी से, वो हम बना सकते हैं असेंबलर से ही, अपने को मैन्युफैक्चरर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उसके लिए 2 प्रोडक्ट चाहिए अपने को। सो असेंबलर, वेयर इज असेंबलर, ये रहा। ओके, सो इसके लिए रोटर चाहिए। ओके, तो मैं प्रोडक्ट लेके पहुंचता हूँ फ्लोर पे, एंड देन बनाते। ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, सो यार अभी ना बड़ी मिस्टेक हो गई है। ओके, जैसा कि मैंने बोला था ना कि मैं प्रोडक्ट लेके और पहुंचता हूँ नेक्स्ट फ्लोर पे। ओके, और उसके बाद मैंने कर दी थी रिकॉर्डिंग बंद, लेकिन यार मैंने यार फ्लोर पे आके और ध्यान नहीं दिया रिकॉर्डिंग बंद है, और मैंने पूरा फ्लोर बना भी दिया, अपने कंप्यूटर बना भी दिया पूरा एक्सप्लेन करके, और अभी पता चला मुझे यार वो तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज मैंने डिलीट नहीं किया फिर से बनाने के लिए। ओके, सो काफ़ी टाइम लग जाएगा यार बनाने में, मैंने काफ़ी सारी स्टोरेज वगैरह बना के रखी है। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे मैंने यार 12 असेंबलर बना दिया। ओके, और एक के ऊपर एक स्टैक्स लगा के और कन्वेयर बेल्ट को कनेक्ट कर दिया। ओके, और डिजाइन भी देखने में मस्त लग रहा है यार इसका, देख रहे हो यहाँ से। ओके, और असेंबलर के अपन अंदर अपन ने रेसिपी सेलेक्ट करके रखी है अल्टरनेट वाली क्रिस्टल कंप्यूटर की। ओके, और हाँ क्रिस्टल कंप्यूटर के। ओके, सो इसको ना 2.5 क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए परमानेंट, और 10 सर्किट बोर्ड चाहिए। ओके, सो कोई इश्यू नहीं है बनाने में। ओके, और ये एक एक बना के निकालेगा। ओके, सो अपने पास करीब 12 मशीनें, 12 असेंबलर मैंने बनाए हैं, जो कि बना रहे हैं 30 कंप्यूटर। ओके, विदाउट एनी इश्यू सारी मशीनें अपनी परफेक्ट वर्क कर रही हैं।
मे बी सबके अंदर फेल है। यस 200 क्रिस्टल ऑसिलेटर थोड़ा स्लो आ रहा था आगे से बिकॉज 30 वाली लाइन हमने कनेक्ट करी थी, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में यहाँ पे। ओके यहाँ पे वैसे धीरे धीरे आ रहा है, आगे भी धीरे धीरे मशीनें फिल हो जाएंगी, जैसे वहाँ तक फिल हो चुके हैं 3 मशीनें, और ये भी जल्दी फिल हो जाएंगे आगे वाले। और इन सब का आउटपुट मिला के और मैंने फाइनली यहाँ तक कर दिया स्टोरेज बना के कनेक्ट कर दिया। ओके मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरेज बना दिया, करीब 9 स्टोरेज बना दिया। ओके और यहाँ पे काफ़ी बन भी चुके हैं कंप्यूटर, देख रहे हो काफ़ी सारे कंप्यूटर बन चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने रिसर्च भी कर दिया, क्योंकि मुझे तो लगा ही था यार रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, सो वो रिसर्च वगैरह हम फिर से नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने सेव की हुई फाइल के ऊपर ही मैंने सेव कर दिया था वापस से, और अभी इसको हम वापस से नहीं कर सकते। ओके सो वो भी मैं दिखा देता हूँ, नए प्रोडक्ट अपने खोल चुके हैं कुछ। ओके यहाँ पे ओके ये वाली जो रिसर्च थी ना अपनी 7th टायर वाली, ये वाली रिसर्च अपनी, ये मैंने फाइनली कंप्लीट कर दी और ये रिसोर्स अपने पास आ चुके हैं। या ओके सो यहाँ पे देख लेते हैं अपने प्रोडक्शन में, अपने पास माइनर 3 आ चुका है। ओके और माइनर 3 बनाना यार इतना आसान नहीं है, बिकॉज इसके लिए चाहिए अपने को टर्बो मोटर। ओके और टर्बो मोटर बनाना इतना मुश्किल है ना, जैसे कि अपन सुपर कंप्यूटर अभी तक बना नहीं पाया ना, कोशिश कर रहे बनाने का, उसी तरह से टर्बो मोटर बनेंगी, बहुत मुश्किल है टर्बो मोटर बनाना। ओके सो ये माइनर MK3 आ गया अपना यहाँ पे, प्लस अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हमने कर लिया था अनलॉक। ओके और नेक्स्ट अपनी कन्वेयर बेल्ट आ चुकी है MK5। ओके सो ये लेके जाएगी 780 पर मिनट रिसोर्स। ओके एंड इस वाली में अपने 30 रिसोर्स ऐड हो चुके थे, पहले 450 लेके जा रही थी, प्लस अभी 480 लेके जा रही है। ओके सो ये फास्ट वाली कन्वेयर बेल्ट आ चुकी है, जो कि बनेगी एलगर्ड एलुमिनियम शीट से। ओके और ये शीट बनाना भी थोड़ा मुश्किल है। और नेक्स्ट चलते हैं, प्लस ये डिफ़ॉल्ट ही उन्होंने गेम के अंदर अपडेट किया है, छोटा वाला स्टैक्स ट्रैक्स सॉरी जो प्लेटफॉर्म है अपना। ओके 1 मीटर साइज वाला, ओके मतलब वेड्थ वाला, ये अपनी थोड़ा छोटा है, देखने में भी ठीक लगता है। ओके और गेम में हो गई है रात बड़ी जल्दी, रात होने में टाइम नहीं लगता यार गेम में। ओके और भी कुछ है तो हम देख लेते हैं, वॉल्स ऑर्गेनाइजेशन और अपनी ट्रेन, तो ये अपने नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे। ओके और अपना नेक्स्ट एपिसोड भाई धमाकेदार रहेगा, मैं तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड जो अपना है ना वो ट्रेन बनाऊँ यार मैं। ओके हम ट्रेन से कुछ रिसोर्स लेके आए यहाँ पे और ट्रेन नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे, प्लस ये रिसर्च भी है अपनी करनी टीयर 5 पे रेडार टेक्नोलॉजी वाली। ओके ये भी हम अनलॉक कर देंगे नेक्स्ट ईयर पे। ओके सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो यार, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया ना तो आपको नोटिफिकेशन तो आएंगे नहीं और आपको वीडियो नहीं मिलेगा जल्दी और आप देख नहीं पाओगे। ओके सो जल्दी से कर लो यार नोटिफिकेशन बेल ऑन और कमेंट करना मत बोलना। ओके सो नेक्स्ट लेवल फैक्ट्री तो अपनी बनेगी यार धीरे धीरे, थोड़ा मुश्किल होता जा रहा गेम, लेकिन हम इस गेम का पीछा नहीं छोड़ेंगे और इसको ज़बरदस्त लेके जाएंगे आगे। ओके यहाँ देख रहे हो वहाँ वो अपनी जो है स्पेस वाली लाइन चमकती हुई नज़र आ रही है, ये नया अपडेट था गेम में, लाइनें थोड़ी चमकती हुई नज़र आएंगी या लाइटें वगैरह, इससे थोड़ा मस्त लग रहा है यार गेम। ओके काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया यार उन्होंने इस अपडेट में, सो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है जैसे कि लास्ट वाला अपडेट था अपना। ओके और धीरे धीरे तो इंटरेस्टिंग चीज़ें आती जाएंगी गेम में, सो लेट्स सी, मिलते जल्दी नेक्स्ट वाले एपिसोड में और भी धमाकेदार चीज़ें बनाएंगे हम लोग। ओके सो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।